महाराष्ट्र में एक साथ हो सकते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, जानिए क्या है सियासी समीकरण। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार एक साथ चुनाव कराने का प्रयास कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी को लेकर महाराष्ट्र पहुँचे हैं। महाराष्ट्र की नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी सीट बंटवारे को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने में जुट गई है। एनसीपी नेता अजीत पवार कह चुके हैं कि पार्टी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने में जुटी है। वहीं शिवसेना और दल सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उत्साह से लबरेज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को किया खारिज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बांकुले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने के मुद्दे को खारिज कर रहे हैं। बांकुले ने साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव तय समय पर ही कराया जाएगा। एक साथ चुनाव कराने से बचेंगे करोड़ों रुपए। प्रधानमंत्री मोदी देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पहले भी बात कर चुके हैं। पीएम मोदी का मानना है कि इस तरह की वोटिंग से चुनाव के खर्चों में काफी कमी आएगी और समय भी बचेगा। महाराष्ट्र के मामले में लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बीच केवल 5 महीने का अंतर है। निकाय चुनाव भी अधर में लटके। आपको बता दें कि मुंबई, ठाणे, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर सहित नगर निकायों के चुनाव में 1.5 साल से अधिक की देरी हो रही है। कोरोना महामारी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में नागरिक निकायों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग ने इन चुनावों को अधर में डाल दिया है।